बच्चों आज हम करेंगे कन्वर्ट मीटर इनटू डेसीमीटर। कन्वर्ट मीटर इनटू डेसीमीटर, इसमें मैंने आपको बताया कि अगर एक मीटर कितने का होता है 100 सेंटीमीटर का, तो हमने आज यहाँ पे लिखा है 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो हम आज इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू कि जो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये इसका फार्मूला है, यहाँ पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन करके है, तो अब मैं आपको आगे कराती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ होगा 4 मीटर, तो 4 मीटर अगर हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन मानो ये है, ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर मेरे पास 4 मीटर है तो हमें क्या करना है, इसका डेसीमीटर बनाना है। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर है तो 4 मीटर कितने का होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे करेंगे 10 × 4 डेसीमीटर। तो हम करते हैं इसको, क्या आएगा, 10 × 4 या 4 × 10 कितना होता है, 40 डेसीमीटर। ये इसका आंसर है। ऐसे में आपको तीसरा क्वेश्चन कराती हूं ताकि आपको समझ आ जाए। मेरे पास है 6 मीटर की मैटिंग, 6 मीटर की मैटिंग है, तो अब हम वो देखेंगे वो कितने डेसीमीटर है। तो हम उसको कैसे करेंगे, हम करेंगे 10 के साथ, 10 × 6। 10 के साथ क्यों करना है, क्योंकि यहां पे बताया है कि जो 1 मीटर है वो कितने के बराबर है, 10 डेसीमीटर के। तो ऐसे ही हम करेंगे 6 के साथ, 6 के साथ करना है हमें, तो क्या आएगा, 10 × 6 या 6 × 10 = 60 डेसीमीटर। तो मैटिंग कितनी हुई हमारे पास, 60 डेसीमीटर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। मैंने मार्केट से 5 मीटर कपड़ा लाया, 5 मीटर कपड़ा मैंने मार्केट से लाया, तो अब वो मैं देखूंगी कि वो मुझे किस में चेंज करना है, डेसीमीटर में। तो मैं कैसे करूंगी, मैं करूंगी इसको 1 मीटर, 1 मीटर कितने का है, 10 डेसीमीटर का, 10 × 5 डेसीमीटर इज इक्वल टू 5 × 10 = 50 डेसीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम जो मीटर है उसके डेसीमीटर्स बना सकते हैं। तो और भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूं अभी। अब यहाँ पे मैंने फिलहाल आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिखाए, तो अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास है यहाँ पे 7 मीटर लंबा एक शीट, तो उसको हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई इंटू 7 डेसीमीटर। तो हमें क्या बनाना है, डेसीमीटर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 10 × 7 या 7 × 10 = 70 डेसीमीटर इसका आंसर। तो ऐसे ही अब अगर हमें क्या करना होगा कि 7 dm का बनाना होगा, तो हम उसको कैसे करेंगे, 6th क्वेश्चन, हमें अगर ये करना होगा कि 9 मीटर बनाएंगे हम, 9 मीटर, तो इसको भी हम सेम ऐसे करेंगे, 1 मीटर 10 डेसीमीटर। तो हम करेंगे 10 × 9 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 × 9 = 90 डेसीमीटर आंसर। ये हो गए हमारे ऐसे ही। तो ऐसे ही 7th क्वेश्चन है, 21 मीटर अगर होगा, 21 मीटर, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 × 21 डेसीमीटर। तो इसको हम कितना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 21 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 210 dm।
तो ऐसे ही हम मीटर को डेसीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन में दिखा रही हूं आपको, इसमें है हमारे पास 30 मीटर। तो 30 मीटर को भी सेम यही फार्मूला यूज करना है, 10 × 30 डेसीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, 10 × 0 = 10 × 3 = 30, ये आ गया 300 डेसीमीटर। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन हो गए इस तरह से। आपको मैं अब कुछ और क्वेश्चन दिखाती हूँ। अब 9th क्वेश्चन है, तो अगर मेरे पास 50 मीटर्स होगा, 50 मीटर, तो इसको हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको 10 decameter, तो 10 × क्या करेंगे 50 decameter इज इक्वल टू क्या करेंगे 50 × 10 कितना होता है 10 × 0 = 10 × 5 = 50, यानी कि 500 decameter। ये हो गया इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन हम एक करेंगे, 45 मीटर अगर है, 10th क्वेश्चन है हमारे पास 45 मीटर, तो इसको हम करेंगे ऐसे ही सेम मेथड, 10 decameter × 45 decameter। तो कैसे करना है, 10 के साथ आपको याद रखना है कि कोई भी यहां पे हो, 45 हो, 30 हो, 60 हो, 50 हो, 20 हो, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि 1 meter 10 decameter के बराबर है। तो अगर हमें 45 अब ढूंढने हैं तो वो क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारे पास 450 decameter आंसर। ठीक है, ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मीटर चेंज इनटू डेसीमीटर। अब यहाँ पे अलग से हम एक क्वेश्चन करेंगे, मेरे पास अगर 4 मीटर और 7 decameter है, तो इनका हम कैसे ढूंढेंगे, हमें क्या करना है, 4 मीटर और 7 decameter जो है हमें इसको करना है, 4 को करेंगे हम 4 मल्टीप्लाई क्या करना है 10 decameter और फिर करना है प्लस 7 decameter, यानी कि जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ पे 4 का मीटर हमने, जब 4 मीटर हमने सर्च करना है, तो हम करेंगे 4 × 10 मल्टीप्लाई, तो हमने किया इसका आ गया 40 dm, फिर प्लस करना है हमें 7 dm, तो ये टोटल करना है कितना हो गया 40, और 7 कितने हो गए 47 dm, ये हमारा हो गया आंसर। अब बच्चे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आपको ये कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे 7 का 7 क्यों आया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये 7 dm में ही था, तो इसको हमें इसके साथ सिर्फ प्लस करना था, मल्टीप्लाई नहीं करना था, तो मल्टीप्लाई सिर्फ हमें 4 मीटर को ही करना था। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, जैसे मेरे पास होगा 9 मीटर और 5 dm, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहां 9 क्या करेंगे मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं नहीं इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 10 किया, फिर उसके बाद हम लिखेंगे dm प्लस क्या करेंगे 5 dm। तो अब इसका जो है मीटर का हमें निकालना है dm, ना कि हमें 5 का निकालना है, क्योंकि 5 का ऑलरेडी यहां पे dm निकाला हुआ है। तो अब हम इसको करेंगे 9 × 10 मल्टीप्लाई, तो इसका आएगा 90 dm प्लस 5 dm इज इक्वल टू 90 में प्लस 5 करो तो कितना हो जाएगा 94
5 dm आंसर। बच्चों ये बहुत इजी है, ऐसे ही मैं आपको और दो तीन क्वेश्चन दिखाती हूं। अब अगर मेरे पास ये थर्ड क्वेश्चन है 5 meter एंड 5 dm, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम ऐसे करेंगे 5 × 10 dm प्लस 5 dm, 5 × 10 = 50 dm प्लस 5 dm, तो इज इक्वल टू 50 में 5 प्लस करो कितने होते हैं 55 dm आंसर। अब एक क्वेश्चन लास्ट बचता है वो करते हैं हम, 6 meter 7 dm, हमारे पास 7 dm देखे हैं, हमें 6 meter निकालना है, तो हम क्या करेंगे 6 को रखेंगे, करेंगे मल्टीप्लाई dm के साथ, तो यहां पे आ गया dm प्लस 7 dm इज इक्वल टू 6 × 10 = 60 dm प्लस 7 dm, 60 को ही हमें मतलब प्लस करना है, 60 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 67 dm, ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों आज हमने ये किया 1 meter इज इक्वल टू 10 decimeter, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कल हम दूसरा करेंगे, तो ये आप याद रखना कि अगर हमें कभी भी मीटर किसमें चेंज करनी हो डेसीमीटर में, तो वो हमें ऐसे करने होते हैं, हमें 1 meter चेंज के थ्रू हमें उसे मल्टीप्लाई करके ही 10 के साथ देखना पड़ता है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही, इससे आगे कल मैं दूसरे क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको। ओके, थैंक यू।